फिल्म बनाना और प्रमोट करना ऑब्वियसली बहुत कठिनाई की काम होती है, एंड वी हैव टू डू दैट, क्योंकि अगर पब्लिक पैसा देने जाने वाली है थिएटर में तो हमें भी बहुत काम करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू प्रोग्राम्स जहाँ ये फिल्म का जो अपील है वो मरता नहीं है. सो CID में गए, अभी सावधान इंडिया में आए, विच इज़ वेरी गुड. आई थिंक जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म तो नहीं है, तो बहुत सीरियस सब्जेक्ट हो, तो वो सीरियसनेस सावधान इंडिया जैसे प्रोग्राम्स में बाहर आएगा. सो इट्स नाइस. दो कैरेक्टर की कहानी है, दो लोग हैं जिसमें एक वरुण कर रहे हैं और एक मैं कर रहा हूँ, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है दूसरे एक दूसरे का, और बदलापुर नाम है फिल्म का तो बदला लिया जाता है, और बदलापुर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बदलापुर स्टेशन जो है ना वहाँ पे ट्रेन की अदला बदली होती है, तो इसलिए भी उस लिहाज से भी. और अगर आदमी पे ये पॉइंट आउट किया जाए तो बदलाव जो आता है इंसान के अंदर, जो बदलाव आता है उसको लेके भी, तो एक मेटाफोरिकली यूज़ किया है हमने उसको. जो सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से हर वो कॉमन मैन इस पिक्चर से ही बी एल टू रिलेट, क्योंकि ये एक आम इंसान की स्ट्रगल के बारे में है, उसकी लड़ाई के बारे में है, और वो किस तरीके से उसको जस्टिस मिलती है अंत में, इंसाफ मिलता है, और क्या वो इंसाफ काफ़ी होता है. किस कभी कभी हमारे जो लव्ड वंस अगर वो गुजर जाते हैं या चले जाते हैं, हमें उसके बाद इंसाफ मिलता है 15-20 साल के बाद, क्या उसके बाद खुशी मिलेगी हमें? तो एक पूरे सिस्टम पे एक टेक है मेरे हिसाब से. एंड ऑब्वियसली नवाज़ है जो यहाँ पे थे, हुमा है, यामी है, विनय पाटे के, तो ऑल इन ऑल काफ़ी एंटरटेनिंग थ्रिलर है जो 20 फरवरी को लोगों को देखने आना चाहिए. जिस तरीके से दिव्या कुमार ने गाया है, गुनगुनाया है गाना, और सचिन जिगर का बेस्ट एल्बम है बदलापुर, आई थिंक जो एनर्जी है गाने में, जो तड़प है, वो आई थिंक सबको नज़र आ रही है, और काफ़ी अच्छा कर रहा है वो गाना, सबको पसंद आ रहा है. तो बदलापुर जैसी पिक्चर में से गाना हिट होता है तो पिक्चर के लिए बहुत अच्छा है. नहीं, ये फिल्म बहुत सच्ची है, जैसे मैंने कहा कि हाँ ऐसा एक इंसान के साथ हुआ था, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इवेंट्स. तो जो पिक्चर है मुझे अब्यूज़ नहीं करना है, मतलब प्रमोशन भी बहुत सोच समझ के कर रहे हैं जहाँ करना चाहिए, क्योंकि जो फिल्म की जो प्योरिटी है या जो सच्चाई है वो कहीं मतलब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ज़्यादा कमर्शियल करने के हिसाब से गाली ना दे दे फिल्म को. तो जो सच्चाई है, जो सिनेमा है, उसे हम लोग जिस तरीके से बनाई है वैसे ही लोगों को दिखाना चाहते हैं. मेरे साथ बहुत अच्छा इक्वेशन रहा, वरुण की जो एनर्जी वाकई काबिल तारीफ है, वो इतना बंडल ऑफ एनर्जी है उनके पास ना, तो उससे मैं खुद मुतासिर होता हूँ, क्योंकि जब एनर्जी देखता हूँ तो आपके अंदर भी एनर्जी आ जाती है, तो क्योंकि सामने वाला इतना पॉजिटिव और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया काम करके उनके साथ. Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.